इनर आले सूट पैर बने बनाया जो गला जहा है बेबे, जो मतलब कढ़ाई वाला गला हुआ है, वो कई बार बनाना औखा हो जाए है। तो उसे के बारे में बतावांगे आज, किस तरिया बनाना आसान हो जाए है, एकदम आसान तरीके तैर वे कति बढ़िया तरिया बताऊंगे। पहले हम इनर सेट करते हैं ना, और इस पर हमने जितना भी गला बनाना है उस पर हम सिलाई मार लेंगे अपनी, जितना हमारा गले की ज़रूरत है हमने उतनी है उससे हिसाब से। कढ़ाई के एक पंजा छोड़ कर और हम पूरे राउंड शेप में इसमें सिलाई लगा लेंगे, जिस हिसाब से हमने बनाना है जिस टाइप का उसे टाइप का हम सिलाई लगा देंगे इनर जोड़ कर। फिर उसके ऊपर हम भी बुकरम भी रख सके हैं, बनाया बनाया गला भी रख सके हैं, इस त्रिया उसके ऊपर हम नीचे इनर रख कर अपने कमीज ने उसके ऊपर रख लेंगे गले ने। जो यो सिलाई लगाने का मकसद हमारा यो है कि हमने यो जो कड़े का हमारी कढ़ाई है, कड़े का हमने सिलाई लगानी है, कितना हमने गला तैयार करना है वो सही अंदाजा रह जाए है, और यो सिलाई तुम्हारी पहचान हो जाए, इस तरह सही पहचान हो जाए है कि हमने अड़े के सिलाई लगानी है। तो इस तरह हम सिलाई पूरी करके और फिर भी इसमें अंदर तक काट देंगे, ये पूरी कटिंग करके इसकी इस तरह पर। और भाई इसमें बुकरम भी लगा इसको हो तुम, और भाई पेस्टिंग पेपर भी लगा इसको हो, मैंने सिंपल कपड़ा ही रख लिया था, इस तरह कट लगा देंगे। कट लगाते आना फिर वही बात है भाई, सिलाई का ध्यान रखना हुआ है, ये इस तरह हम अपना भाई जितना भी हमने मार्जिन रखना है मोड़ना है उतना 1 सवा इंच रख कर बाकी कपड़े नाम मार्जिन में काट देंगे, सही गोलाई में ये इस तरह काट देंगे, 1 सवा इंच रख लेंगे ताकि 1 इंच का रह जाए और बाकी हमारा मुड़ जाए। फिर हम या उस पर स्टॉप स्टिच कर देंगे इस तरह पर, साफ करते हुए ये स्त्रियाँ या टॉप स्टिच मारने के बाद भी फिर इसमें गले में एकदम सफाई आ जाए है, और इस तरह मोड़े हैं हम जब जिस हिसाब से मोड़ेंगे वो हमारा बढ़िया त्रिया मुड़ जाएगा यो करके। और फिर इसने अंदर की तरफ हम अपने गले वाले कपड़े ने मोड़ लेंगे ये स्त्रियाँ धीरे धीरे, और बढ़िया त्रिया जो भी थोड़ा बहुत कम बत्ती रह गया हम उसकी अपने काट छाट सी कर ली थी, और फिर अपना यो मोड़ लेंगे। अरे यो बहुत आसान तरीका है, कितना है भी किसाई भी गला बन रहा है हमारा, कई बार आने दिक्कत आवे है, और कई यहाँ के कमेंट भी आवे हैं कि भाई इस त्रिया का बताया करो आप, तो मैंने यो गला इसलिए बता रही हूँ। और इनर आला सूट की या सिलाई भी इससे मैं बताऊंगी, और भी गला भी जो इससे मैं बता दूंगी भाई किस तरह हमने चाक मोड़ने चाहिए। यो पूरे सूट की स्टिचिंग दिखा रही हूँ, और देखियो भी इस तरह करते हुए हम अपने कपड़े ने मोड़ लेंगे या सिलाई कंप्लीट करके। और भी फिर इस पर लाग रहे थे सूट पर है मिरर, तो मिरर है तो भी सिलाई में तो दिक्कत आनी है, तो इस पर मैंने कच्चा टाका करते ही सुई का काम कर दिया था, क्योंकि मिरर पर सुई भी टूट जाती और मिरर में भी तरेड़ आ जाती कितने लाग जाते, तो और मशीन चलती भी नहीं उस पर, इस तरह तैयार कर दिया था यो मैंने। और भी सूट जब कई बार बढ़िया एकदम बढ़िया बनाया गला जो है उस पर भी दिक्कत आवे है, एक भी कई बार ने पूछ रखा है उस पर भी बताऊंगी कि किस तरह हमने बनाना चाहिए, उसकी भी एक वीडियो बनाऊंगी। और यो था मेरे पास तो मैंने इसकी बताऊँ, इसमें भी बहुत एक कई तरीके हुआ हैं लेकिन यो सबसे आसान और बढ़िया तरीका हुआ है। इसमें हम ना तो जो लाती है ना
कोई दिक्कत आती, ना कढ़ाई ख़राब होती और ना हमारी सुई टूटती। यो एकदम आसान और बढ़िया तरीका हुआ है। यो कर अपना के देखियो वे अर्जुन सिवान न कति सरुते सीख है, उसके लिए तो यो बहुत आसान तरीका है वे। इसने एक बार अपना के देखियो और वे देखो वे कितना बढ़िया तैयार होया है। जिस मान ले इसने हम राउंड शेप की बजाय अगर हम लंबाई और बढ़ाना चाहें हैं तो हम नीचे तक भी इसकी कट के हिसाब से हम इसकी वो सिलाई कर सकते हैं। अभी फिर मैंने फिटिंग तो मार ली थी इसकी और ये स्टॉपर लगा दूंगी इसका, क्योंकि पूरी स्टिचिंग दिखाती तब बे लंबी वीडियो हो जाती, तुम भी बोर हो जाते, कोई इतनी लंबी वीडियो नहीं देखते। फिर ये मैंने स्टॉपर खातर ये पट्टी बना ली थी, ये स्टॉपर लगा दूंगी, क्योंकि स्टॉपर भी बहुत ज़रूरी है वे सूटा में। बहुत इन तक बहुत सेफ्टी हो है सूटा की, ना तो ये धोंदे आना जब धोवे हैं हम जब खींचते, ना कई बार काटते आना जल्दी में, या और काटें जब मारे चाका दौरे तो फट जाए हैं, वह दिक्कत भी नहीं आती। और भी यो जो नीचे तो चाखा ने जब हम मोड़े हैं, जब इसने या जो ऊपर नीचे तो हो जाए कई बार ऊपर नीचे ने, वह दिक्कत भी नहीं आती। ये नीचे लगानी है मैंने इसका लेस, ये या लेस तो इस पे आ रही थी, फिर एक लिखा लिया लेस अच्छी सी नहीं लग रही थी, मैंने फिर एक इसके ऊपर लेस और लगाई है। नीचे तो हमें ये कपड़ा ऊपर न फोल्ड करके सीधी साइड और ऊपर इसने लेस रख लेंगे, और फिर हमने सीधी सिलाई लगा दी थी। उस पहली लेस ने दबाते हुए फिर मैंने यह एक इस तरह मैं चौंधी लेस और लगा दी है, और ये इस तरीके से इसकी डबल सिलाई कर देंगे। ये कई जगह ये भी मिरर आ जाते उड़ा, फिर हमने आराम से लेनी पड़ेगी है सिलाई अपने पंजे ने ठा ठा काम। जब मारे मिरर आवे हैं मोती आवे हैं पंजे ने ठा लेंगे, या भी फिर हम और भी बतेरे इंतजाम हुए हैं, कई बार हम उन्हें उतार सके हैं वही तोड़ भी सके हैं, लेकिन कपड़ा कट गया है इस मारे। ये मैं बाजू तैयार कर रही हूँ, बाजुआ पर भी मैंने लस्से लगा दी थी सेम इस तरह मैं चुंदी, और बाजुआ का कपड़ा नहीं लगाया है। यो है कपड़ा न्यूए या बाजू न्यूए रखनी थी उसने, और इसका इनर कोने लगवाया था बाजू का। अरे आगे तो मोरी माप ली थी मैंने, और ऑर्गेन्जा का यो कपड़ा है जो मोटी आली ऑर्गेन्जा हुआ है उसका, इसका फिर माप का मैंने दोनों साइड पर, और ये इस तरीके ये आरमोल भी माप लिए थे दोनों के, और फिर इसलिए करती थी सिलाई और ये इस तरिया तक करती वे सीधी करके, और फिर इसका मैं डाल कर और अगले बाग की कटाई कर दी है, और इसके अंदर डाल कर और सिलाई कर देंगे। और जो वे ये हमें स्टॉपर लगावे हैं और सूटा का तो स्टॉपर हमें इसके कंधे के नीचे साइड एड लगावे हैं, और इसका जो हमारा ये नेट का है या ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक का है जिसमें हम इनर नहीं लगाते, उसका हमने स्टॉपर एक बाजू की साइड लगाना चाहिए, ताकि ये जब हमारा स्टॉपर अंदर की तरफ जावे तो हमारा मार्जिन है जो वो बाहर नहीं दिखे और वो गंदा सा नहीं लगे, इसलिए बाजू की साइड लगाना चाहिए हमने स्टॉपर। वैसे तो दोबारा फिर बता दूँ हूँ कि वैसे तो हम लगावे हैं कमीज की साइड, मतलब कंधे पर हम कमीज के ऊपर रखे हैं, लेकिन जो हमारी नेट की बाजू है या फिर भाई फिर जो आ गया था भाई ये देखो मैंने माप लिए थे ये चारों पल्ले पल्ले मोड़ने हैं इस पर।
कर फिर बात करूंगी, तो वे पल्ले स्त्रियां मोड़ देंगे। ये नहीं, लेकिन मात के सारे चारों पल्लिया न रख कर वे मात लेवा, इससे एक भी कमी नहीं आवेगी, चारों पल्ले बराबर आवेंगे। ये स्त्रियां अड़ाक भी बराबर मात के देख लेगा, झोल नहीं आवे, ये स्त्रियां मोड़ देगी। और हम देखो फिर आड़े आ जाए हमीर, आड़े फिर रोक के न आराम से फिर कर दे। यो हो गया है बे तैयार मेरा जम्फर, देखो ये है बे आड़े, देख मैं स्टॉपर दिखा रही हूँ, स्टॉपर लाग के हैं। और ये जो जो चीज़ है देखो वो लटक रहा है नीचे ना, तो यो ए देखो स्त्रिया ये लगाने की कह रही थी मैं, स्त्रियाँ लगाने चाहिए ताकि यो हमारा कपड़ा बाहर नहीं दिखे। अगर सबसे कम इंटरलॉक कराव है तो भी वो बाहर दिखा है हमारी नेट की बाजू में, या ये जो ऑर्गेन्जा ना हम बिना उसके इनर के लगावा है उसमें, तो यो देखो भी नीचे कितनी बढ़िया लुक आई है, लेस भी बहुत बढ़िया लगी है, देखो कितना अच्छा सूट जचा है यो। अरे पसंद आवे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करियो, अरे बहुत साथ दे रही हो हाँ, और सारे बड़े छोटे सब न राम राम, बिका की ताई अपने बड़े छोटे सारे न मेरी राम राम, और आगे भी मैं साथ और सपोर्ट बनाए रखियो।